सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क में जिन लोगों को भी केवाईसी से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं या फिर उनको स्लॉट नहीं मिल रही है या फिर कुछ भी एरर आ रही है, उनका एक मंथ से पेंडिंग है, तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होएगा, या फिर क्या वो रीज़न है जिससे आप लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो और 10 मिनट में अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। पूरा चीज़ ईजी शब्द में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ ताकि बच्चे से बुरे लोग हर कोई समझ सकते हैं मेरे इस वीडियो को देख के और इजीली पाई नेटवर्क में अपना केवाईसी को भी फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। उसके पहले मैं बता दूँ कि आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के बारे में। बेसिकली एक ऐसी माइनिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर आप बस माइनिंग करते जाओ और डेली कमाते जाओ। लोगों ने यहाँ से लाखों में, हज़ारों में बहुत सारे अर्निंग करे हैं, तो अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो को फॉलो कीजिए। स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगी, इस वीडियो को आप देखिएगा और स्टेप बताया गया उसको फॉलो कीजिएगा, आपका भी यहाँ पर अर्निंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बताते हैं कि केवाईसी इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर पाई ब्राउजर में आते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं केवाईसी पाई। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, कुछ लोगों को दिखाते हैं कि आपकी जो केवाईसी है कमिंग सून है, अभी भी आपको यहाँ पर स्लॉट नहीं मिल रही है। तो इस टाइम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो पाई अकाउंट है उसमें जो बेसिक वेरीफिकेशन है वो कम्प्लीट होना चाहिए। जैसे अगर आपने मोबाइल से यहाँ पर किए हो तो उनके लिए बता दूँ, सबसे पहले आप अपना यहाँ पर 3 लाइन मेनू पे क्लिक करना, प्रोफाइल का एक सेक्शन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इन सारे वेरिफिकेशन को कर लेनी है। जैसे मेल वेरीफाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, और फोन और फेसबुक में से कोई एक वेरीफाई कर सकते हो, एंड पासवर्ड भी आपको वेरीफाई कर लेनी होगी। ये जैसे जैसे दिख रहा है ना, ये आपको कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। और एकदम एन में एक आपको एक ऑप्शन मिलता है, काफ़ी लोग मतलब गलती कर देते हैं, यहाँ पर अकाउंट डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, कभी भी मत करना गाइस, ठीक है, कभी भी मत करना। नहीं तो कुछ लोगों ने बोला है मैंने अपना अकाउंट को डिलीट कर दिया, मुझे पता नहीं थी, तो जो भी यूज़र है उनके लिए बता देते हैं अकाउंट डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से 3 लाइन पे आना पड़ेगा, मेन नीट पे आना पड़ेगा, मेन नीट चेकलिस्ट पे आना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों स्टेप आपका कंप्लीटेड होना चाहिए ही चाहिए गाइस, ठीक है। ये तीनों स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हो, इवन चारों वाला अगर हो जाते हैं, चारों फोर्थ नंबर वाला भी आप कंप्लीट कर लेना। जैसे ही आप ये फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेप बताई हो ये कर लेते हो, इसके अलावा और एक छोटा स्टेप्स है इसको भी कर लेना। यहाँ पर इसका जो ऐप इन्फो है, मतलब पाई ऐप का जो इन्फो है उस पर जाना होगा। यहाँ पर आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसका जो नोटिफिकेशन है इसको आपको इनेबल कर देनी है। जैसे ही आप इनेबल करते हो इससे क्या बेनिफिट, तो उसके बाद पाई टीम आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। जैसे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाते हैं आप तुरंत उसका मतलब कि देख के केवाईसी कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशन ही ऑफ रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आए थे कब नहीं आए थे। सो इसीलिए तीनों स्टेप मैंडेटरी है, ये स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका यहाँ पर केवाईसी का जो स्लॉट है आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और एक अपडेट दे देती हूँ, अभी तक 35 मिलियन लोगों में से सिर्फ 5 मिलियन लोगों के पास केवाईसी का जो प्रोसेस है, मीन स्लॉट है, उनको मिली है। बाकी 30 मिलियन अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। सो आप चिंता मत करो, पाई टीम इसके ऊपर इनिशियल स्टेप ले रहे हैं और बहुत ही जल्दी बाकी लोगों के पास भी केवाईसी वाला स्लॉट का नोटिफिकेशन भेज देगा। और तुरंत अगर आपके ये दोनों स्टेप, ये तीनों स्टेप कंप्लीटेड रहेगा प्ले पहले से ही, तो आपको बहुत ही जल्दी स्लॉट मिलेगा और केवाईसी कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इशू का मैंने आपको यहाँ पर डाउट वगैरह क्लियर कर दिया। अब जो सेकंड इशू है, अब जब केवाईसी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं उसके बाद केवाईसी आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करते हो, उसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोसेस हो जाते हैं रिव्यू पे। अब देखो रिव्यू पे कुछ लोगों का यहाँ पर 10 मिनट में केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ लोगों का 1 महीने पर भी नहीं होती है, 10 दिन में भी नहीं होती है, 2 महीने पर भी नहीं होती है। तो अगर आपको यहाँ पर रिव्यू से 10 मिनट पर केवाईसी अपना पास कराना है तो इसका स्टेप कैसे होगा, इसके पीछे जो ट्रिक काम करेगा वो क्या होगा, तो सब कुछ बताने वाली हूँ। चलो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब क्यों आपकी जो केवाईसी इन्फॉर्मेशन है वो क्यों यहाँ पर रिव्यू में 1 महीने से जा रहे हैं, 2 महीने से जा रही है, और उसका पीछे रीज़न जान लोगे ना तो ईजिली आप वहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ लोगे। तो ये पता देखो बहुत अच्छे से इसने पोस्ट किया है कि क्यों एक केवाईसी डिले होते हैं या फिर अप्रूवल नहीं होते, उसका रीज़न एंड सॉल्यूशन दोनों बताया गया है, वही मैं आपको इजी शब्द में समझाने वाली हूँ। पहली रीज़न देखो, अगर आपकी पाई अकाउंट में जो नेम रखे हो, ठीक है, उस नेम के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए हो वो दोनों में मिसमैच हो रहे हैं, किस कुछ जगह पे ई की जगह ए हो रही है, या फिर नाम की जो स्टार्टिंग है वो आप मिस कर रहे हो, या फिर जो मिडिल नेम है उसको मिस कर रहे हो, जो आईडी के साथ है वो आप नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम गाइस आपका यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन डिले हो सकती है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए आप फिर से वहाँ पर 3 लाइन मेनू पर क्लिक करना, प्रोफाइल में जाना, वहाँ पर आपको अपना नेम चेंज करने की एक ऑप्शन मिलेगा, अपील करनी होगी, अपील कर देना, और आपकी मतलब आईडी कार्ड भी जैसे जैसे नाम है E2Z तो ही डाल देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर फिर से सारी डिटेल्स करेक्ट हो जाएंगे और जल्दी ही पाई वाला टीम आपका केवाईसी यहाँ पर करा देंगे। तो फर्स्ट वाले अगर आपकी ऐसा हो रही है तो आप इसके द्वारा सोल्यूशन कर सकते हो। अब जो सेकेंड रीज़न है कि आपने केवाईसी करते वक्त जो अपने बारे में डिटेल्स दिए थे, जैसे कि आप मेल हो, फीमेल हो, उसके बाद आपका जो एड्रेस वगैरह या फिर आपकी पर्सनल जो भी है वो डिटेल्स दिए हो, उसके साथ जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है वो अगर मैच नहीं हो रही है तब भी आपकी
यहाँ पर डिले हो सकती है। एग्जाम्पल देती हूँ, अब जिस टाइम आधार कार्ड बनवाए थे उस टाइम वो आप अलग जगह रहते थे, बट प्रेजेंट टाइम आप दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हो, जॉब हो या फिर फैमिली के रीजन पे, ठीक है, आप शिफ्ट हो गई हो। अभी जब शिफ्ट होने के बाद आप एड्रेस डाले हो प्रेजेंट लोकेशन पे दिया हो, बट आपके आधार कार्ड बनी है ओल्ड लोकेशन पे, तब मिसमैच हो रही है, तब जाके आपकी गाइस यहाँ पर डिले हो सकती है। तो इसका सलूशन क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ कि आप जैसे ही यहाँ पर पाई ब्राउजर में जाओगे, पाई ब्राउजर पे जाने के बाद केवाईसी पाई का ये जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको कुछ दिन बाद पाई वाले टीम से रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से सुनना, रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तब जाके आप अपना उधर एडिट करके कर सकते हो, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब जो तीसरा रीजन है, मोस्टली लोगों को जो थर्ड वाला रीजन है ना यही होती है, अच्छे से सुनना, ठीक है। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि आप जब केवाईसी करोगे उस टाइम अपना फोटो, मतलब कि आईडी कार्ड का फोटो देना पड़ता है फ्रंट और बैक, ठीक है। तो जब भी आप फोटो क्लिक करोगे या फिर वीडियो सबमिट करते हो उसमें से कोई अगर ब्लर आ जाते, चाहे थोड़ी से भी एक सेकंड के लिए ही भी वीडियो में अगर ब्लर नहीं आ जाते या फिर फोटो में, तब जाके आपकी केवाईसी डिले हो जाती है, अप्रूव नहीं होती है, चाहे एक महीना हो दो महीने हो ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए इस चीज में, कि आप जब भी फोटो के लिए मतलब फोटो खींच रहे हो ना तो अच्छा लाइट में जाके आप करना, ऐसे नहीं कि किसी जगह पर लाइट पड़ के उसमें पड़ना नहीं आ रही है, ऐसे भी मत करना, ठीक है। सही से आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड करना पड़ेगा एंड वीडियो में भी थोड़ी से भी ब्लरनेस नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला आपका इशू आई है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको केवाईसी पाई वाले ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा, आपको उधर रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा कुछ दिन बाद, फिर आप अपना वीडियो और फोटो को रीसबमिट कर सकते हो। तो ये रीजन है। अब जो चौथा रीजन है, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, चौथा रीजन क्या है कि कुछ लोग ना केवाईसी ना हो रही है या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन में आके सेम नेम पे सेम एड्रेस पे दो तीन आईडी बना लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट आईडी का उनका केवाईसी नहीं हो रहा है तो उन्होंने सोचा सेकंड आईडी बना लेते हैं, तो ऐसे करके तीन चार आईडी उनका सेम डिटेल सेम नेम पे बन चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पाई वाला टीम कंफ्यूज हो जाता है, यार डीएल बंदा कौन सा है, इसने भी केवाईसी सबमिट किया, इसने भी किया है, इसने वो भी सेम डिटेल्स, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपकी नेम और सेम डिटेल से मल्टीपल अकाउंट्स है उनमें से आप एक ही को मेन रखें, बाकी दो तीन जो है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। डिलीट वाला बटन आप इसमें यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई और रीजन के लिए मत यूज करना। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप अपना फैमिली मेंबर की नेम से दो तीन आईडी बनाए हो तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपकी मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, एक दीदी के नाम पे, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट आप ही का नेम, आप ही का डिटेल्स देखिए अगर आप दो तीन आईडी बनाए हो तब जाके ये चीज करना। तो रीजन और सोल्यूशन बता चुकी हूँ। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम हमने केवाईसी के लिए सबमिट तो कर दिया, हमारे रिव्यू पे है एक महीने दो महीने से है, बट रीसबमिट का ऑप्शन मिल नहीं रही है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो रीसबमिट वाला बटन है वो इंस्टेंटली नहीं दिखती है, कुछ महीने बाद ही आपको रीसबमिट का यहाँ पर बटन मिलेगा, तब जाके आप वहाँ पर कर सकते हो, और इसको मिलने के लिए आपको यहाँ पर वेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रीजन सब कुछ बता दिया हो। इसके अलावा हमारे जो मेंबर्स है इस वीडियो को देख रहे गाइस, उनके लिए एक प्लस पॉइंट बता देती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, जब भी आप केवाईसी सबमिट करोगे ना तो उनके लिए मैं आप लोगों को एक और तरीके से हेल्प कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना, टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेम पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन मिल रहा है इस आईडी पे आपको कॉन्टैक्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप इस आईडी पे कॉन्टैक्ट करोगे इसके बाद आप जिस दिन और जिस टाइम केवाईसी करोगे तो जब सबमिट करोगे उसके पहले मेरे को एक बार बोल लेना कि मैम मैं केवाईसी कर रही हूं, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, क्योंकि गाइस मैं बता रही हूं कि मैं एज ए पाई में एज ए वैलिडेटर एज ए काम किया हूं, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है किस किस चीज़ों को देख के हम यस करते हैं, मतलब कि लोगों का बाकी लोगों का वेरीफाई करते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे मतलब कि हेल्प की जरूरत होगी तो ये चीज आप कर सकते हो, जिनको मतलब कि जल्दी करनी है और समझ नहीं आ रही है ये चीज। और एक चीज बता देती हूँ, केवाईसी करने के लिए 18 ईयर्स होना चाहिए, अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप अपना बड़े भैया बड़े दीदी की हेल्प कर मतलब हेल्प से कर सकते हो, या फिर मम्मी पापा तो है ही उनके डिटेल से कर सकते हो, ये चीज़ है। बट जिनको अगर लग रही है कि मैं सही से नहीं कर पाऊंगी, आपको हेल्प की जरूरत होगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डेफिनेटली विदाउट एनी फीस। मैं कोई फी वगैरह नहीं लेने वाली हूँ, फ्री में आप लोगों को गाइड करूंगी कि हाँ ठीक है आप अभी सबमिट कर दीजिए, जैसे सबमिट करोगे 10 मिनट के अंदर आपकी केवाईसी हो जाएंगे। जिनको हेल्प की जरूरत होगा वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं उनको इजीली हेल्प करा दूंगी। और एक चीज गाइस बोलना चाहूंगी, आप लोगों में से काफी लोगों को लग सकती है कि जो भी वैलिडेटर है वो हमारा हेल्प कर सकता है, आई मीन आपका केवाईसी करवा सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीजन मैं बता देती हूँ, देखो जो भी वैलिडेटर होते हैं उनका काम तो भले ही केवाईसी करना ही होती है, नो डाउट, बट उनको पाई वाले टीम रैंडम बंदे को केवाईसी करने के लिए बोलते हैं। जो वैलिडेटर होते हैं पार्टिकुलर किसी बंदे का नेम सर्च करके या फिर सिलेक्ट करके खुद से केवाईसी नहीं कर सकते। पाई वाले टीम जिन जिन रैंडम बंदे की डिटेल्स भेजेगा वो भी पूरा डिटेल्स नहीं भेजते, उसमें बहुत सारे प्राइवेसी मेंटेन करके ही भेजते हैं, ठीक है, जिससे हमको ये नहीं पता चलता है कि बंदे की नेम क्या है, फोटो क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ कुछ पता नहीं चलती है। बस हम इतना पता कर सकते हैं कि इंडिया मतलब गवर्नमेंट आईडी है कि नहीं, मतलब कि वीडियो जो दिखाते हैं वो बस पता कर सकते हैं, ठीक है, बट बंदे कौन है इसका नेम क्या है वो पता नहीं कर सकते। इसके लिए कोई वैलिडेटर पर्टिकुलर किसी एक बंदे की केवाईसी नहीं करवा सकते हैं, समझ गए ना। बस पाई वाले जो टीम है वो जिन जिन लोगों का केवाईसी करने के लिए बोलेगा उसी का करवा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपकी ये वाला जो बैलेंस है गाइस, मैं आपको पाई वाला बैलेंस दिखा देती हूँ। ये जो बैलेंस है ना, एक मिनट जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो बैलेंस है, ये वाला जो बैलेंस है एक कैसे ही यहाँ पर आपकी वॉलेट में मेन नेट सेक्शन में जाएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं आप लोगों को। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है जानना है तो आप मेरे चैनल को बेहद मतलब कि सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। आई थिंक कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोल्यूशन और रीजन दे पाई हूँ कि क्या क्या करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो जरूर आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बचाते रहो। थैंक यू।